हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूँ अभिलाषा। सो आज के वीडियो की शुरुआत मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ करती हूँ। एक बार एक आदमी था, वो कई जगह पे न्यूज़ एजेंसियों में जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, बट उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही थी। लोगों को लगने लगा था कि इंसान काबिल नहीं है, जॉब के लायक नहीं है, कोई उसकी कदर नहीं कर रहा था, बट वो फिर भी ट्राई करता रहता है। सो उसे फाइनली एक चर्च में जॉब मिल जाती है, कार्टूनिस्ट की जॉब मिलती है, और रहने के लिए एक छोटी सी जगह भी मिल जाती है। वो जगह काफ़ी गंदी थी और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चूहे थे, तो वो उन्हीं चूहों के कार्टून बनाना स्टार्ट कर देता है, और एक दिन इतिहास का आज तक का सबसे फेमस कार्टून मिकी माउस बनाता है। सो मैं बात कर रही हूँ वॉल्टर डिज्नी की, जिन्होंने मिकी माउस बनाया। डिज्नी ने ये बात समझ ली थी कि जो भी उनकी लाइफ में मुसीबतें आ रही हैं, जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, उनका कोई ना कोई फ़ायदा ही उसमें छुपा हुआ है, तब को अवसर में बदल लिया। और जो भी मुसीबतें आई थी उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ियों के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया। जो भी लाइफ का फ्लो था उन्होंने उसका विरोध नहीं किया, उसके साथ चलते गए, और लाइफ ने जो भी जैसी भी सिचुएशन दी उन्होंने उसका सामना किया। तो उन्होंने ये बात तो साबित कर दी कि जो भी हम सोचते हैं कि बुरा टाइम है, बुरा टाइम है, तो बुरा टाइम कोई ना कोई एक अच्छी चीज़ भी उसमें छुपी हुई रहती है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारी लाइफ में सारी चीज़ें एक अच्छे वे में ही पॉसिबल हो, बट हर बार ऐसा नहीं हो पाता है। लाइफ में हमेशा हमें दो तरीके के लोग मिलते हैं। एक वो होते हैं जो हमारा हाथ पकड़ करके हमें गाइड करते हैं, हमारी केयर करते हैं, परवाह करते हैं, और हमारी जर्नी में हमारा अच्छे से सपोर्ट करते हैं। वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा हमें पीछे धकेलते हैं, बट वही लोग हमें लाइफ के सबसे बड़े लेसन सिखाते हैं। जो लोग हमें नीचे गिराते हैं उन्हीं लोगों की वजह से हम खड़े होना सीखते हैं, उन्हीं लोगों की वजह से हम अपने डर पर काबू करना सीखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारा दिमाग ख़राब करके रखते हैं, हमें बस पागल ही कर देते हैं, उन्हीं लोगों की वजह से हम अपने गुस्से पर कंट्रोल करना, अपने ऊपर संयम रखना, काबू रखना, धैर्य को बना करके रखना, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। सो चाहे अच्छे लोग मिले, चाहे बुरे लोग मिले, हर चीज़ से हम लाइफ में कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही सीख लेते हैं, और वो एक्सपीरियंस हमें लाइफ में आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। बट जैसे हर कोई चाहता है कि उसकी जो सक्सेस वाली, जो सक्सेसफुल लाइफ उसे मिले, वो एक अच्छी तरीके से सारी जो कंडीशन हो वो उसमें अच्छी हो, कोई भी बुरी चीज़ उसमें ऐड ना हो, लाइफ में कभी बुरी सिचुएशन आए ही ना, सब कुछ अच्छे से हो जाए, बट ऐसा नहीं होता है। और बदकिस्मती से ये भी समझ लीजिए कि हम भी तब तक कुछ नहीं करते हैं जब तक हमारी लाइफ में मुसीबतें ना आ जाएँ। जब तक हमारी लाइफ में करो या मरो की सिचुएशन नहीं हो जाती है, तब तक हम खुद ही अपने कम्फर्ट जोन से बाहर नहीं आते हैं। जब तक कोई बड़ा मुसीबत या मुसीबतों का पहाड़ हमारे ऊपर नहीं टूट पड़ता और हमें लगता है कि अब तो ये काम हमें करना ही पड़ेगा, तब जाकर के हम हथियार उठाते हैं, तब जाकर के हम हाथ पांव हिलाना शुरू करते हैं और उस काम को तरीके से करते हैं और अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजन लेते हैं। जैसे कोई इंसान डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से बोलता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो गया है, सीरियस बीमारियाँ आपको हो सकती हैं, तब वो एकदम से सारी चीज़ों के ऊपर हेल्थ कॉन्शियस हो जाता है। उसकी प्लेट में मुँह में पानी लाने वाला खाना नज़र नहीं आता, उसकी प्लेट में हरी सब्जियां नज़र आती हैं, सैलेड नज़र आता है, एकदम से वो योगा करने लग जाता है, एक्सरसाइज करता है, मेडिटेशन करता है, सारी चीज़ें करने लग जाता है। सो कहने का मतलब है कि जो भी जब भी हमारी लाइफ में मुसीबतें आती हैं तभी हम चीज़ों पर ध्यान देते हैं या फिर अच्छे जो डिसीजन होते हैं वो लेते हैं। तो कभी कभार दुख, दर्द, पीड़ा, इनकी डोज भी ज़रूरी होती है ताकि हम खड़े हों और एक बार देखें चारों तरफ कि हमारी लाइफ में किस चीज़ की ज़रूरत है। सो हर बार ये जो बुरी सिचुएशन या फिर बुरे लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो केवल हमारा बुरा ही उस चीज़ से हो, हम उन चीज़ से कुछ अच्छा भी चुन सकते हैं, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस उन चीज़ से ले सकते हैं। सही है कि हम अपनी लाइफ में तभी आगे बढ़ते हैं या फिर खुद में बदलाव तभी करते हैं, अपनी लाइफ में कार्रवाई तभी करते हैं जब हमारे सामने कोई मुसीबत आन पड़ी हो। एक काफ़ी फेमस कोट भी है, नो पेन नो गेन। तो हम अपनी लाइफ में जो हार्ड वाले डिसीजन होते हैं उसी टाइम पर लेते हैं जब हम वो जो पेन वाली या फिर दुख दर्द वाली जो सिचुएशन होती है उसमें रह करके ऊब जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा याद रखनी चाहिए कि लास्ट में सब कुछ ठीक हो ही जाता है। तो अगर आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं है तो ये दी एंड नहीं है। हमें जो लाइफ मिली है ये नॉलेज गेन करने के लिए, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिली है, और हमारे जो लाइफ के लेसन हैं वो ज़िंदगी भर यूँ ही चलते रहेंगे जब तक कि हम यहाँ पर हैं। तो लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं उन्हें वैसे ही चलने दें,
और जितना आप उनसे नया कुछ सीख सकते हैं, जो भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो भी फायदा उठा सकते हैं, हर सिचुएशन से उठाना चाहिए। अच्छे और बुरे दोनों चीजें लाइफ के लिए जरूरी हैं, अच्छी ग्रोथ के लिए जरूरी है, हमारे खुद की ग्रोथ के लिए जरूरी। सो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।